listen, boys and girls. Actually, today I'm going to teach you the first topic, do you accent. You know, do you accent means, kya aap aisa karte ho? If you want to say, do you accent, then say, kya aap aisa karte ho? So there's a two ones. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do means, aap aisa karta hoon. No, I don't. It means, main aisa nahi karta hoon. For example, we can understand here. Do you wake up at 4 o'clock in the morning? क्या आप सुबह के 4 बजे उठते हो? तो उठते हो तो बोलोगे यस आई डू, यस आई डू. अगर नहीं उठते हो तो बोलोगे नो आई डोंट. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. डू यू गो टू जिम क्लास? क्या आप जिम क्लास जाते हो? अगर जाते हो तो बोलोगे यस आई डू. नहीं जाते हो तो नो आई डोंट. डू यू ड्रिंक वाइन? क्या आप शराब पीते हो? अगर आप पीते हैं तो बोलेंगे यस आई डू. नहीं पीते हैं तो बोलेंगे नो आई डोंट. उसके बाद आप देख सकते हैं. Do you drink coffee? Yes, I do. Do you smoke cigarette? क्या आप सिगरेट पीते हो? बोलेंगे नो आई डोंट. तो इस तरह से क्या हमारे घर में बहुत सारे लोग, हमारे जो मिस्टर शर्मा जी, मिस्टर वर्मा जी जब भी आते हैं ना तो पूछते हैं क्या बेटा पढ़ाई करते हो? Do you study? Yes, I do. हाँ मैं स्टडी करता हूँ. नहीं करते? No, I don't. मैं स्टडी नहीं करता हूँ. क्या बेटा डांस क्लास आते हो? अगर आप जाते हो तो क्या बोलोगे? बोलो यस आई डू. वेरी गुड. नहीं चाहते तो क्या बोलो? नो आई डोंट. दैट्स इट. तो ये आज हमारा आज का टॉपिक है कि डू यू एक्शन, क्या आप ऐसा करते हो? यहाँ आपकी हैबिट किस होता है? इसकी हैबिट, हैबिट किस आदत, आपकी आदत. जो आप सुबह से रात तक जो भी आप काम करते हैं वो सब हैबिट के अंदर आता है. जो काम को आप बार बार करते हैं, जैसे क्या आप स्कूल जाते हो तो डू यू गो टू स्कूल? यस आई डू. तो बोलेंगे यस आई डू, हाँ मैं जाता हूँ. अगर नहीं जाते हो तो आई डोंट. नो आई डोंट. इस तरह से आज का टॉपिक है डू यू एक्शन. तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, वर्बल प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने का मेन फंडामेंटल्स है. देखो पढ़ाने का दो तरीका होता है, एक सिचुएशनली और कॉन्सेप्चुअली. तो जो सिचुएशनली पढ़ाते हैं ना वो कम समय तक ही आपको याद रहता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट, जो आप कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करते हैं उसको बहुत ईजी वे में, बहुत कम समय में अच्छा मिले से सीख सकते हैं बाय कॉन्सेप्चुअल मेथड. तो यू हैव टू लर्न बाय कॉन्सेप्चुअल मेथड, अंडरस्टूड? तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश बोलना लग जाएंगे. लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि इफ यू वांट टू बिकम अ स्पीकर, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, देन फर्स्ट व्हाट यू हैव टू फॉलो, फर्स्ट यू हैव टू लिसन. बाय लिसनिंग 70% पीपल लर्न लैंग्वेज, बिकॉज आई टेल यू लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. इट मीन्स फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन बोथ कन्वर्सेशन टू ईच अदर, बोथ अंडरस्टैंड टू ईच अदर. सपोज आई एम टॉकिंग, हेलो यस मिस्टर राहुल, हाउ आर यू? I'm fine, thanks, and you? Okay, me too, I'm also fine. Okay, have a nice day, Rob. Bye, see you. That's language. It's not a subject. English language is not a subject. But many students are to understand this is only for what? This is a subject. First, you have to write down it, then after say, speak it, then after listen. It means, अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो पहले आपको सुनना पड़ेगा. जितना सुनोगे उतना ज्यादा इंग्लिश आएगी बोलने में. पहले सुनो फिर बोलो फिर लिखना है, जस्ट अपोजिट करना है. लेकिन हम लोग करते क्या, पहले तो लिखते हैं, सर समझा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. पहले आपको सुनना है, उसके बाद बोलना है, फिर उसके बाद लिखना है. लेकिन इंग्लिश सीखने में लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं है, ओनली सुनकर और बोलकर ही इंग्लिश सीखी जाती है, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या है, गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इंग्लिश का पावर नहीं है, हमने कभी इंग्लिश सीखा नहीं. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कि पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे और फिर लिखेंगे. लिखेंगे इसे ये, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि जो चीज आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस चीज को जस्ट क्या करो, बोल डालो. पहले सुनो, बोलो, और जो बात बोला आपने वो चीज को आप कॉपी में लिख डालो. इससे क्या होगा कि जब आप दोबारा उस कॉपी को प्रिंट कर देखेंगे तो आप वो सारी चीजें रिमेम्बर हो जाएगी, याद हो जाएगी, हाँ सर ने ये चीज पढ़ाया था. कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस सर. तो आज का टॉपिक्स है डू यू एक्शन. आप घर जाएंगे, वर्बल प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास मिरर होगा, आपके घर में, हर किसी के घर में मिरर होता है. तो जस्ट टॉक अ फ्रंट ऑफ मिरर, अपने खुद से टॉक योर सेल्फ. अगर आपके घर में मॉम नहीं है, डैड नहीं है, अगर वो अपने काम में व्यस्त है, आपके घर में भाई बहन नहीं है या वो बिजी है, तो आप किससे बात करोगे? तो टॉक योर सेल्फ. बिगनर्स होते हैं वो पहले खुद से बात करते हैं,
अंडरस्टूड। और ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश सुनने की कोशिश करो। गाना सुनने का मन कर रहा है, इंग्लिश गाना सुनेंगे। अगर मूवी देखने का मन है तो इंग्लिश मूवी देखेंगे। कार्टून नेटवर्क देखना है, इंग्लिश में देखेंगे। न्यूज पेपर पढ़ना है, इंग्लिश में न्यूज देखेंगे, न्यूज पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर बुक पढ़ने की इच्छा है तो आप इंग्लिश में बुक पढ़िए, भले ही समझ में आए या ना आए। क्योंकि बिगिनर वही होते हैं जिनको शुरू में समझ में नहीं आती है, लेकिन जो कंटिन्यूसली लगातार अगर वो चीज को सुनते रहते हैं तो सुनते सुनते उनकी आदत हो जाती है। क्या हो जाती है? आदत, हैबिट, और वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अगर आप 21 डेज कंटिन्यू अगर हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, बोल बोल प्रैक्टिस करते हैं, 1 डे विल बिकम अ गुड स्पीकर। दैट्स इट। ओके, सो देन क्लास। ओके सर, सी यू टुमारो। आज का क्लास यही। धन्यवाद।